अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सुबह से जब से खबरें चल रही हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं और लोग काफ़ी सारे डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं डिसअपॉइंटेड ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक बात बता दूं कि अगले हफ्ते में, ये सोमवार मंगल बुध, अगले हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह इमरान खान आपको बाहर आते हुए नज़र आएंगे और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बाहर आते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी बात, जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन पिछले एक घंटे के दौरान मैंने की और आज की तारीख में मैंने की, उस आज की तारीख के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैंने वो तरतीब से एक कागज़ पर लिखी है ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई उभाम ना रह जाए, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेशन के जब जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो इमरान खान के ऊपर थ्रेट्स तो ज़रूर मौजूद थी, लेकिन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो जेल के अंदर रह नहीं सकते, ना वो ना अहल हो सकते हैं, ना उनकी पार्टी बैन हो सकती है, और कोई इलेक्शन ऐसे नज़र नहीं आते कि जो पीटीआई के बगैर हों, जो इमरान खान के बगैर हों, ये तो कन्फर्म है। और दूसरी बात, ज़िंदगी बखैर इंशाल्लाह इमरान खान ने ही वज़ीर आज़म बनना है, इस हवाले से डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह कि जिस तरह मुख्तलिफ गज़वात में जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रेटेजिकली ऐसे लगता था, मुनाफिकीन या कमज़ोर अकीदे वाले जो मुसलमान होते थे वो मायूस हो जाते थे या उनको लगता था कि कहीं हमें नाकामी हो गई, तो मुख्तलिफ किस्म की वही आयात वगैरह नाजिल होती थी और वही आती थी कि मुसलमान जो है वो घबराया नहीं करते, और इस हवाले से फिर बाद में वक्त साबित भी करता है। सुलह हुदैबिया भी इस हवाले से बहुत बढ़िया और एक आइडियल एग्जाम्पल है, जिसमें वक्ती तौर पर मुसलमानों ने यह समझा कि शायद हमें स्ट्रेटेजिकली क्या डिफीट हो गई है, लेकिन हकीकतन वो स्ट्रेटेजिकली फतह थी, और उसके बाद वक्त ने साबित किया कि किस तरह से वो फतह में कन्वर्ट हुई। तो सेम इज़ द केस विद इमरान खान और सेम इज़ द केस विद हिज अरेस्टेशन। अगले हफ्ते में उन्होंने बाहर निकलाना है, लेकिन जो न्यूमरोलॉजिकली जो नज़र आ रहा है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह जज का जो रवैया था या उसकी जो फेसबुक पोस्ट या उस हवाले से आप सोशल मीडिया पर क्या मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी देख सकते हैं, और उस हवाले से जो न्यूमरोलॉजिकली नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि पहली बात तो यह है कि इस अरेस्टेशन के अंदर मरियम नवाज़ का रोल न्यूमरोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और मरियम नवाज़ ने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दिया कि हमने आपको इसलिए हायर किया था या हमने आपको इसलिए अपॉइंट किया था कि आप इसको मैनेज करें, इसको मार्जिनलाइज करें, और उसके उनके हुक्म की पैरवी की गई है, और उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। और उसके बाद यूं नज़र आता है कि नवाज शरीफ की भी, जैसे जो अडियाला जेल का जो जेलर है उसके साथ जो अलैक्स लैक है या जो बातचीत है वो भी फील होती है। न्यूमरोलॉजिकली ये भी नज़र आता है कि उनको भी कोई इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, और कुछ इस किस्म की इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जिस तरह इमरान खान पर जैसे रात के अंधेरे में कोई सिविलियन कपड़ों के अंदर आके शायद कोई तशद्दुद करे, या कोई जेल का अमला है या कोई बाहर से कुछ लोग आकर तशद्दुद करें, और इस तरह की जो एडवाइज़ हैं वो फील होती हैं, इस तरह का तशद्दुद करने का प्लान इमरान खान के खिलाफ फील होता है। और उसके बाद ये भी फील होता है कि उसके बाद मेडिकल चेकअप के बहाने इमरान खान को हॉस्पिटल में लाया जाएगा, जहां पर उन्हें कुछ इस किस्म के इंजेक्शन दिए जाने का गुमान होता है, जिस तरह के जो बाद में हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं, जिस तरह मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक हुआ या दीगर डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ, इस किस्म के मेडिकल चेक तशद्दुद के बहाने जो इमरान खान के ऊपर जो उनकी मिजरेबल कंडीशन होगी, तो उसके बाद हालात चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल आया जाए और उसको बहाने से इंजेक्शन दिया जाए, ये एक तरह से प्लान है। लेकिन हमेशा कुरान पाक के अंदर वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वमा करो अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के और तुम प्लान करो और अल्लाह प्लान और तुम प्लान करो और अल्लाह प्लान करता है, बेशक अल्लाह बेहतरीन प्लान करने वाला है, एंड दे प्लॉट एंड अल्लाह प्लान एंड अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर। तो इनकी प्लानिंग सारी नाकाम होंगी और इमरान खान ने अगले हफ्ते के अंदर सोमवार मंगल बुध जुमेरात, अगले हफ्ते के अंदर वो इंशाल्लाह जेल से बाहर होंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता था कि अगर वो चले भी गए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ना सिर्फ वो बाहर आएंगे, बल्कि पार्टी अगर बैन की भी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो दोबारा अहल हो जाएगी। कोई भी इलेक्शन, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम परवान नहीं चढ़ सकता जब जिसमें इमरान खान ना हो या जिसके अंदर पीटीआई ना हो। और दूसरी बात यह कि इमरान खान को जेल में मिलने के लिए जो एडवाइजेस की गई हैं न्यूमरोलॉजिकली, ये नज़र आ रहा है कि जैसे उनको कट ऑफ करने की कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ थानों के SHOs भी आएंगे इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे, वकला भी आएंगे इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे, और उसके बावजूद इमरान खान ने अल्टीमेटली जेल से बाहर आना ही आना है, और ये जेल में जाना इमरान खान के लिए बेसिकली उनको हीरो बनाने वाली बात है। ये इनकी चालें इनके ऊपर अपने ऊपर उल्टी पड़ेंगी और इनका अपना यह सारा सिस्टम जो है ना, ये इनके ऊपर ये खुद तमाशा बन जाएंगे जो इनका तमाशा बनाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात रही बात निगरान सेटअप की, मैं यहाँ पर आज मैंने एक बार फिर कैलकुलेशंस की, और मैंने एक दफ़ा पिछले अपने ब्लॉग में कहा था ना कि रजा बाकिर और हफीज़ शेख का 50-50 नज़र आता है, कभी रजा बाकिर ज़्यादा नज़र आते हैं कभी हफीज़ शेख ज़्यादा नज़र आते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने ब्लॉग किया था तो मुझे हफीज़ शेख 90% नज़र आ रहे थे, आज किसी हद तक रजा बाकिर मुझे 60% तक उनकी कंपेटेबिलिटी नज़र आ रही है, 40% तक हफीज़ शेख की नज़र आ रही है, और साथ में आज एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, सैनेट से ताल्लुक रखने वाले एक पश्तून सैनेटर, उनका नाम भी किसी हद तक मुझे चंद परसेंट में वो भी फील हो रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रजा बाकिर और हफीज़ शेख, कभी हफीज़ शेख का नाम पहले नंबर पर नज़र आता है कभी रजा बाकिर का नज़र आता है, और रजा बाकिर का नाम उस वक्त से मुझे ज़्यादा नज़र आने लगा जब से ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तान का विजिट किया, और उसके बाद से कुछ कंपेटिबिलिटीज़ उस विजिट की भी रजा बाकिर के साथ मैच करती हुई नज़र आ रही हैं। इसको आप कोई भी रंग दे सकते हैं, कोई भी इसको कंपेटिबिलिटी इसकी किसी भी तरह से इसका एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इल्मुल आदात के अकॉर्डिंग हफीज़ शेख या रजा बाकिर, और इस वक्त जो ईरानी वजीर खारजा के दौरे के बाद रजा बाकिर का चांस मुझे ज़्यादा फील हो रहा है।
अब यहाँ पर ना न्यूमरोलॉजिकली दो ऑप्शंस मेरे सामने नज़र आ रही थी जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और दोनों ऑप्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले नंबर पर, अब क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में अच्छे अच्छे लोगों को भी आज़ाद छोड़ा और बुरे लोगों को भी आज़ाद छोड़ा ताकि क़यामत के दिन वो उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकें, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने सारा कुछ स्क्रिप्ट पहले से लिखा हो तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर जन्नत और दोज़ा का कंसेप्ट तो फिर नहीं एग्जिस्ट करता। इसी तरह बदी और नेकी का कंसेप्ट भी अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद छोड़ा। सेम इज़ द केस विद न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में भी जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें बाज़ों का दो दो ऑप्शन नज़र आती हैं। अब जो भी निगरान सेटअप आता है अगर, तो वो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट करता है। अगर आपको नज़र आता है कि वो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट कर रहा है तो उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी वाले पहलू से अगर मैं उसका एनालिसिस शुरू करता हूं तो मुझे नवाज शरीफ भी जेल में नजर आता है। इमरान नवाज शरीफ सितंबर में आता हुआ नजर आता है, जरूर आता है नजर पाकिस्तान में, लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में आता है वो जेल में जाता हुआ नजर आता है। मरियम नवाज भी जेल में जाती नजर आती है, शहबाज शरीफ भी जेल में जाता हुआ नजर आता है, और पीडीएम के बहुत से अराकीन भी जेल में जाते हुए नजर आते हैं, और केपीके हुकूमत के भी जो मौजूदा हुकूमत है इसके बहुत से अराकीन भी जेल में जाते हुए नज़र आते हैं, और उनके बहुत सारे स्कैंडल ओपन होते हुए नज़र आते हैं जिनके अंदर जो इन्होंने रशिया से जो तेल लिया, जो रशिया से जो एग्रीमेंट करने की कोशिश की या जो रशिया से तेल मंगवाने की कोशिश की, तेल आया नहीं और पेमेंट्स हो गई, उस हवाले से एक स्कैंडल बहुत बड़ा सामने आता हुआ नज़र आता है जो कि अभी मंजर आम पर नहीं लेकिन न्यूमरोलॉजिकली उसकी कंपेटिबिलिटी रशिया के साथ भी नज़र आती है और मौजूदा हुकूमत के साथ भी नज़र आती है, और उसके करता धरता यूँ लगता है न्यूमरोलॉजी के वो जेल में जाते हुए नज़र आते हैं। ये तो हो गया एक पहलू, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एहतसाब की वेव, जो कल भी मैंने व्लॉग में कहा था कि निगरान सेट में मुझे एहतसाब होता हुआ नजर आता है, अगर एहतसाब होता स्टार्ट होता है फिर भी इलेक्शन फरवरी और मार्च तक जाएंगे और अल्टीमेटली उसका फायदा भी इमरान खान को होगा। और दूसरी ऑप्शन जो मैंने आपको निगरान सेटअप के दौरान बताई कि पहली ऑप्शन में तो ये ना कि एहतसाब में जिस तरह इन्होंने जितने सारे इख्तियारात दे दिए निगरान सेटअप को कि वो आएगा तो उसके पास ये भी इख्तियार होगा, ये भी इख्तियार होगा, उसके तहत अगर वो एहतसाब शुरू करता है, अकाउंटेबिलिटी शुरू करता है तो उसमें मौजूदा हुकूमत ही अल्टीमेटली फंसेगी, और उसमें पीटीआई का कोई भी रुकन जो जो मौजूदा पीटीआई जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है जिसमें सारे मतलबी और दो नंबर या इब्नुल वक्त या जिनको फसली बटेरे कहते हैं, जो फसल पकने पर तो आते हैं जो बाद में जब फसल खा ली जाती है या खत्म हो जाती है तो छोड़ के नई पकी हुई फसल की तरफ चले जाते हैं, इस तरह के फसली बटेरे जो सियासतदान है जो छोड़ के चले गए, उनके अलावा जो मौजूदा प्योरीफाई पीटीआई है उनमें से कोई भी उस एहतसाब के अमल में नहीं फंसेगा बल्कि मौजूदा हुकूमत और उनके उनके जो करता धरते हैं वो सारे उसमें फंसते हुए नजर आते हैं। उस सूरत में भी फरवरी और मार्च में इलेक्शन होते नजर आते हैं और अल्टीमेटली यह कि इमरान खान की ही हुकूमत नजर आती है और इमरान खान ही उसमें उसमें अकोमोडेट होते हुए नजर आते हैं। और दूसरी सूरत में अगर निगरान हुकूमत अगर आके ये क्लेम करती है कि हमारा मैंडेट नहीं है, हम एहतसाब नहीं कर सकते, और जैसे सिस्टम जो चल रहा है उस सूरत में मुझे आगे इस तरह की ऑप्शंस नज़र आती हैं न्यूमरोलॉजिकली कि जिस तरह से इलेक्शन प्लान इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है और किसी का दिल है कि नून लीग को चाहे अवाम वोट पीटीआई को देंगे, अवाम की अक्सरियत पीटीआई को ही मैंडेट देगी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के अजीबोगरीब किस्म के रिजल्ट आएंगे कि पंजाब पूरे का पूरा मुस्लिम लीग को दे दिया जाएगा और उसके बाद फेडरल में भी मुस्लिम लीग की हुकूमत बना दी जाएगी, जिस तरह से मरियम नवाज़ की विशेज अब पूरी हो रही हैं बाद में भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं और पीटीआई की पंजाब में सिर्फ 15 से 20 नशिस्तें और सिंध में एक भी नशिस्त नहीं, ये एक प्लान किया जा रहा है लेकिन ये प्लान होगा नहीं क्योंकि यहां पर भी आकर दो ऑप्शंस नजर आते हैं। अगर इस तरह का रिग्ड इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद अवाम की एक ऐसी वेव बाहर आएगी कि जिससे खुदा ना खास्ता 1971 वाले वाकया दोबारा रिपीट होते हुए नजर आते हैं जो कि, और उस दौरान में दुश्मन मुल्क जो है जो दाएं बाएं हमारे जो जो हमारी एंटी पाकिस्तान फोर्सेज हैं वो भी नजर लगाए बैठी हैं और उस दौरान पर पाकिस्तान में इतनी अनार्की नजर आती है अगर रिग्ड इलेक्शन होते हैं। उस सूरत में अगर रिग्ड इलेक्शन होते हैं तो उस सूरत में न्यूमरोलॉजिकली ये नजर आता है कि पाकिस्तान में इतनी अनार्की होगी कि फिर जो मेजर पावर्स या सुपर पावर्स हैं वो पाकिस्तान में पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर पर अपनी फौजें इंस्टॉल कर सकती हैं और उस सूरत में ये क्लेम किया जा सकता है कि पाकिस्तान क्योंकि एटॉमिक पावर है तो यहां पर खतरात या अनार्की हमारे लिए बियरेबल नहीं है, लिहाजा फिर वो मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट और खुदा ना खासा पाकिस्तान की सौदेबाजी और तरह तरह की एसेट्स की सौदेबाजी, अल्लाह माफ करे अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन वो उस तरह की नजर आती है जो कि बहुत ही मेजरेबल बहुत ही खौफनाक किस्म की चीज है और अल्लाह ना करे ऐसा हो। और दूसरी सूरत में एक और चीज भी नजर आती है अगर प्लैंड इलेक्शन कराने की प्लानिंग जो की जा रही है उस सूरत में एक और सेकंड वेव नज़र आती है जो कहीं से उठेगी और वो इस जो निगरान सेटअप जिसके दौरान में प्लान इलेक्शन करने की कोशिश की जा रही है उस निगरान सेटअप को उड़ा कर ले जाएगी और बहुत सारी फिर चेंजेस की जाएंगी। इवन निगरान सेटअप की सेकंड वेव आती हुई नज़र आती है और यह कि नया निगरान सेटअप इंस्टॉल होता हुआ नज़र आता है, बहुत सारे इदारों में तब्दीलियां नज़र आती हैं, जुडिशरी में तब्दीलियां नज़र आती हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत के जो फैसिलिटेटर जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं वो जुडिशरी में बैठे हुए जज भी मुझे रिप्लेस होते हुए नज़र आते हैं और फिर भी इलेक्शन अल्टीमेटली फरवरी और मार्च में होते हुए नज़र आते हैं। और उस सूरत में जो सेकेंड वेव ऑफ केयर टेकर सेटअप है उसके अंदर भी
क्या कहते हैं, इमरान खान की ही हुकूमत बनती हुई नज़र आती है ज़िंदगी बखैर। ये मेरा आज का व्लॉग था और मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करके इस हवाले से मैंने व्लॉग किया। और बीच में मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इमरान खान की गिरफ्तारी या नाअहली, ये अगर वक्ती तौर पर तो स्ट्रेटेजिकली तो ऐसे नज़र आ रहा है या कुछ लोग इस पर शोर मचा रहे हैं, लेकिन जो लोग आज जिस तरह मिठाइयों के स्टेटस लगा रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं मिठाइयों के हिना परवेज़ भट्ट के ट्वीट, आप देख लें, ये आपको कुछ दिनों बाद बल्कि अगले हफ्ते के अख्ताम तक आपको ये लोग रोते हुए नज़र आएंगे और इनको लाडला लाडला का राग लापते हुए नजर आएंगे। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, कायदे आजम का फरमान भी जारी रखे हैं कि मुसलमान कभी मुसीबत में घबराया नहीं करता, कुरान पाक भी यही तालीम देता है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही यही तालीमात हैं, बल्कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब परेशान होते थे तो एक दुआ मांगते थे कि या हय्यू या क्यूम बिरहमती का इस्तगीस। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान की भी हिफाजत करे, पाकिस्तान की भी हिफाजत करे। यकीनन न्यूमरोलॉजिकली जब मैं देखता हूँ तो ये 1971 का पाकिस्तान नहीं, ये 2023 का पाकिस्तान है, और ये हमें ये हालात बेसिकली हमें पॉलिश कर रहे हैं, हमें एज ए नेशन पॉलिश कर रहे हैं और हम एक प्रैग्मेटिक और पेट्रियोटिक नेशन बनने की तरफ जा रहे हैं। और अल्टीमेटली ये सारे हालात, ये सारी मुसीबतें पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सबब बनेंगी। वक्ती तौर पर यूँ लगता है कि हम डिफीट का शिकार हो गए या हम घबरा गए या मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है या चंद चोरों के हाथों में खेलने जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान भी सलामत रहेगा, पाकिस्तान के इदारे भी सलामत रहेंगे, हम पाकिस्तान की आवाम भी सलामत रहेगी और अल्टीमेटली पाकिस्तान ने खुशहाल होना है और अल्टीमेटली इमरान खान की ही हुकूमत आएगी। थैंक यू सो मच।